इसलिए खड़े हैं कि हम लोग उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, दो तीन लड़कियां हैं और एक बच्ची है, और उनके मतलब माता पिता हैं और उनके औरत हैं, उन लोगों को पालन पोषण करने के लिए हमने बिहार सरकार से ही कुछ सहायता के लिए हम लोग रोके हुए हैं। क्या सहायता तो मिलने की घोषणा हो गई है 5 लाख? अभी हम लोग को कुछ नहीं जानकारी है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग रोके हुए हैं। अच्छा, तो आखिर शव आया है तो शव तो भर जाएगा ना? नहीं जाएगा, अभी हमारे वाला नहीं जाएगा। इसलिए कि नहीं जाएगा कि हम लोग जानकारी कर ले कि हमारे उन लोगों को पालन पोषण करने के लिए क्या सरकार इसका मुआवजा दे रही है। नौकरी की जी, नौकरी भी चाहिए हमको, सहायता चाहिए ये दो बच्चों के जीवन को पार लगाने के लिए। एक यही कमाने वाले थे घर में? हाँ, बड़े यही थे, मालिक में सब यही थे, दो भाई कुंवारे हैं अभी, और यही बाप चाहे भाई यही थे। नियमानुसार नियम है, उनके मुताबिक उनको हर संभव सहायता दी जाएगी, मांगे उनकी हो सकती है, अगर जो नियम संगत नहीं होगा हम लोग वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम लोग रसोईया का नौकरी नहीं चाहिए, रसोईया का हम लोग बात करेंगे उनसे, अभी बात करेंगे। जो बॉडी अभी जा रही है, जिनके परिजन ले जाना चाह रहे हैं, वो बॉडी हम लोग पहले भेज दे रहे हैं, उनके बाद उन परिजनों से हम लोग अलग से बात करेंगे।